में उर्दू के को जो है ना बंद कर देना चाह रही है। हुकूमत बिल्कुल जो है ना संजीदा नहीं है उर्दू को, और सिर्फ बातें हो रही हैं कि जो है ना हम उर्दू को आबाद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखने में नहीं आ रहा। लेकिन ये हुकूमत जो है ना मुसलमानों को जो है ना 9-9 करोड़ रुपए के, हम सुन रहे हैं कि 9-9 करोड़ रुपए की इफ्तार की दावतें दे रहे हैं, उर्दू को आबाद करने के लिए सिर्फ 8 करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है, जो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल है, जो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी है। और हम बड़े हैरत अंगेज़ है कि जो है ना एक इतने कम पैसों में जो है ना बजट, वो भी 8 करोड़ भी बजट पूरा नहीं किया जा सक रहा। बड़े अफसोस की बात है। इस जो हम जो है ना हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उर्दू अकेडमी के तमाम जो है ना इस्कीमात को जो है ना आगाज़ किया जाए और उनको जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाए। अल्लाह रहमान रशीद, सदर उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन, आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे पूरी अखबार बरदरी को कासिद हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने दावत इफ्तार दिया था, और अपने लोग हमारे और हमारे कबीर सिद्दीकी साहब अपने हाल में ये तमाम अहतमाम किया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और हमारे उर्दू बिरादरी के लिए ये हाल मुख्तस करना चाह रहे हैं, वो उर्दू अखबारों के लिए, उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर उस मुशायरे के लिए जो भी है फ्री ऑफ कास्ट देने के लिए तैयार है। हमारी बिरादरी को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाए। और उर्दू एकेडमी के ताल्लुक से ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने जो कहा वो बिल्कुल बजा है, और हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल अपनी खामोशी का इजहार कर रही है। भाई, कई बार मैंने किशोर साहब से मुलाकात की, उधर से इधर से चौ तरफ से मिलते जुलते रहे थे, मगर कुछ हल नहीं निकल रहा है। हुकूमत को तो दूसरी जबान उर्दू बोलते हुए भी फिर उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हम इसके बारे में कुछ और करेंगे। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कबीर सिद्दीकी, आलमी उर्दू फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ, और आज की जो महफिल, आज की जो इफ्तार की दावत है, जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का इन्होंने एहतमाम किया है, और साथ में हमारे अहमद मुकेश साहब, वाजिद मसूद साहब, उस्मान रशीद साहब, इन सब के ताउन से आज की। मैं मोहम्मद वाजिद मसूद, एडिटर सियानत औकाफ़ हैदराबाद। ज़ोर से बोलो। तो ये आज की जो महफिल सजाई गई ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की तरफ से, इफ्तार का अहतमाम किया गया, और उसमें उर्दू एकेडमी के ताल्लुक से तमाम जर्नलिस्ट अपने अपने ख्याल का इजहार किया है। तो मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि उर्दू एकेडमी का जो ख़याम अमल में आया, उसके जो अगराज व मकासद थे, वो उस पर पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। उर्दू एकेडमी जो स्कीमात है वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, और बजट के ताल्लुक से बजट या तो वापस किया जा रहा है या जो ऐसा बजट आ नहीं रहा है। ये तो आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से क्या चाहते हैं? उर्दू एकेडमी का जो क़याम है, जिस मकसद से क़याम अमल में आया, उसको पूरा अमली जामा पहनाना चाहिए। शुक्रिया। कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, आप 30 से 35 आदमी तक इसमें बैठ सकते हैं और अपना प्रोग्राम कर सकते हैं 40 आदमी तक, और जो भी प्रोग्राम होगा उसके लिए भी मैं पूरी तरह से जो भी चाहे और उसका पानी का ख़र्चा या जो भी होगा वो भी मैं करने तैयार हूँ, बशर्ते कि वो उर्दू के फरोख्त के लिए किया जाए, वो उर्दू की प्रमोशन के लिए जो भी काम हो वो उर्दू वालों के लिए डेडिकेटेड है। और मेरे वालिद जनाब मरहूम अली सिद्दीकी साहब ने वो आलमी पैमाने पे उर्दू के मुशायरे, उर्दू के कॉन्फ्रेंस और उर्दू की मजहबी महफिलें नई दिल्ली और हैदराबाद में करते आए और करते रहे थे, और मैं चाहता हूँ कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ, और उनकी याद में ये महफिलें और ये जलसे और ये हाल भी उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि उर्दू वाले इसका फ़ायदा उठाएँ, इससे इस्तीफ़ा करें, और मैं सोचूँ, मैं जो भी है उर्दू के खिदमत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, जो भी मुझसे हो सकता है मैं, आप जब चाहें मैं हाजिर हूँ। खुदा हाफिज़। इतना स्पीड।